नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की ज्वाइनिंग आ रही है, दिसंबर में 16 तारीख से ज्वाइनिंग शुरू है। तो बहुत सारे दोस्त हमसे पूछे हैं कि सर हम ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाए, इसके रिगार्डिंग मैं आज बात करूँगी। इससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या लेके नहीं जाने से प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या मतलब जरूरी वाला डॉक्यूमेंट रहेगा। चलिए बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस बात को मतलब इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ कि बहुत सारे दोस्तों को ये लग रहा है कि हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है जो एसपी ऑफिस से बनता है, तो वो नहीं लेके जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर मैं बनवा लूँ क्या, वो लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये लगता है कि नहीं लगता है। मैं एक बात बता दूँ कि जो आर्मी दौड़ के लिए हम लोग करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं जो एसपी ऑफिस से बनता है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम से नहीं है। अगर उसमें माथापेची कर रहे हैं तो समझिए आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। जब ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएगा उसमें आपको एक देगा करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, करेक्टर के लिए एक प्रकार से लेटर आएगा, उसमें फार्मा करके आएगा, उसी पर बनवाना है, वही मान्य होता है। आप जो एसपी कोटी से बनवाइएगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हमने 2021 में जो ज्वाइनिंग हुआ है उसमें भी बहुत सारे दोस्त हमारे कहने के बाद भी बनवा लिए, बाद में बता रहे थे कि सही बोले सर वहाँ हमको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मांगा ही नहीं, जो हमको जो दिया था उस पर बनवाना था और वो बनवा के लेके गए थे। तो ध्यान रखिएगा एक और बात, आप जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो 3 साल के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस समय जो करेक्टर लिखवा के लेके गए रहिएगा जहाँ से, वो आपके भाई थाने में भी आएगा और आप जहाँ से लिखवा के मतलब जो डॉक्यूमेंट जहाँ से इशू किया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि जाति आवासीय तहसील से बनवाया है तो उस तहसील में आएगा, उस तहसील में वेरीफाई होगा, क्रॉस वेरीफाई, फिर जाएगा, फिर मान्य होगा। एक बार और बता दूँ कि कोई भी दोस्त फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि हमारे पास समय ही नहीं बचा है, जल्दी जल्दी से खुद से मुहर सील मार के और सिग्नेचर करके दे दूँ, कौन देखता है। तो इस तरह की गलती कभी नहीं कीजिएगा। आपका ज्वाइनिंग के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट जमा किए रहिएगा, चाहे वो एजुकेशन पर्पस वाला हो, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, करेक्टर हो, चाहे जाति आवासी हो, वो आपका क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आता है, फिजिकली आता है, बाई पोस्ट आएगा, यहाँ से लिख के लेके जाएगा, मतलब लिखवा के फिर यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि हमारे पास अगर समय नहीं है तो अपने से सील मोहर मार दिए, सिग्नेचर करके भेज दिए, इस तरह की गलती कभी नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त 2017 वाले ज्वाइनिंग वाले दोस्त ऐसा ही अपना आवासीय बनवा लिए से फर्जी में, और वहाँ जाने के बाद 2-3 साल नौकरी करने के बाद फर्जी मिला और उनको डिसमिस फॉर्म सर्विस कर दिया। तो कोई भी डॉक्यूमेंट खुद से बनवा के मतलब जाली बनवा के लेके जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सब बनवाइएगा, एकदम जेन्युइन तरीके से बनवा के लेके जाइएगा। अब रही बात क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाए, देखिए मैं तो बोलता हूँ कि जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सब लेके जाइए और ले जाके जमा कर दीजिएगा, बाद में मतलब फिर से एंट्री करवाने में प्रॉब्लम नहीं होता, एक ही साथ सब डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। मैट्रिक का तो चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, इंटर का अगर है तो मार्कशीट, बीए का अगर है तो मार्कशीट, सबका मार्कशीट लेके जाइएगा, मैक्सिमम मार्कशीट से काम चल जाता है। अगर और डॉक्यूमेंट है तो लेके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा जो डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिएगा आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम 3 साल बाद, 3 साल के बाद ही मिलेगा, उसके पहले आपको ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगली महीने में आपको ज़रूरी है कि नहीं हमको दूसरा फॉर्म भरना है, वो इंटर लेवल का आता है, तो आप इंटर से ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ मैट्रिक का जमा कर दीजिए, मैट्रिक का जमा करने के बाद आपका काम चल जाएगा। बीए है तो बाद में आप एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन बाद में एंट्री करवाने के लिए आपसे रीज़न मांगा जाएगा कि ज्वाइनिंग के समय जब आप पहले से ही मतलब आप बैचलर थे तो ज्वाइनिंग के समय क्यों नहीं एंट्री करा, तो इसके लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। बाकी सिर्फ मैट्रिक का जमा कर दीजिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि ये भर्ती मैट्रिक के लेवल का ही होता है। अगर चाहते हैं कि हम अपन इंटरमीडिएट और बीए का भी जमा कर दें तो आप वो भी जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं फिर से बता दूँ, जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा जेन्युइन लेके जाइएगा, अगर फर्जीवाड़ा किए खुद से मतलब साइन सील सिग्नेचर करके लेके गए, पकड़ा गए, तो डिसमिस फॉर्म सर्विस हो जाएगा, उस समय कोई नहीं सुनने वाला रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड जितना भी क्यूरी था सोल्व हो गया होगा। फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर सोल्व नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, मैं जितना हो सकता है रिप्लाई करूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त कम से कम जो ज्वाइनिंग वाला है जाने वाला है शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।